नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं टेक हाउस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वाईफाई राउटर्स होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है क्या उनकी रेंज एंटीना के ऊपर डिपेंड रहती है या फिर विदाउट एंटीना के साथ भी वो अच्छी रेंज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आज के वीडियो में हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और लाइव एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको करके दिखाऊँगा कितना दूर जाने के ऊपर कितने परसेंटेज वहाँ पर वाईफाई की रेंज मिल पाती है तो सबसे पहले चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं मेरे पास कुछ पुराने वाईफाई राउटर्स पड़े हुए हैं लाइक पहले मेरे पास जो है एयरटेल का मैंने जो है फाइबर इंटरनेट कनेक्शन जो है लगवाया था तो उसका राउटर मेरे पास पड़ा हुआ है सेकंड मेरे पास एक नोकिया का जो है ड्यूल एंटीना वाला जो वाईफाई राउटर है यहाँ पे ये यह है और थर्ड हमारे पास साइरो का जो है फोर एंटीना वाला जो है वाईफाई जो हमारा रेल वायर कनेक्शन है उसके साथ एक्चुअली अटैच है तो बता दें कि ये जो एयरटेल वाला है हमने कोशिश की थी कि रेल वायर के अंदर ये वाला लगवाएं क्योंकि इसकी तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ऊपर से रेंज भी इसके अंदर हम सोच रहे थे कि अच्छा मिलेगा लेकिन ये जो है लोक होता है यानी कि एयरटेल के कनेक्शन के साथ ही काम करता है हो सकता है मार्केट के अंदर अनलॉक हो जाता हो बट हमारे यहाँ आसपास उस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने जो है सायरो टैक का फोर जो एंटीना वाला वाईफाई राउटर है वो इस्तेमाल किया अब मेन बात कर लेते हैं कि क्या एंटीनास के ऊपर रेंज के कोई ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसका एक सिंपल सा आंसर है नहीं एक्चुअली जितने ज़्यादा एंटीनाज होंगे वहाँ को कवरेज ज़्यादा मिलेगा फॉर एग्जांपल लाइक आपने ये लगवा रखा है नोकिया का ड्यूल uh, एंटीना वाला तो आसपास का जो एरिया है उसके अंदर कितने ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं कवरेज कितना अच्छा मिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है वहीं पर अगर फोर उसके अंदर uh, जो है अगर मैं बात करूँ एंटीनाज लगे हुए हैं तो वहीं पे थोड़े ही एरिया के अंदर ज़्यादा कवरेज मिल जाएगा तो कवरेज होने से आपको स्पीड जो है अच्छी मिलेगी तो चलिए अब हम जो है लाइव एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं मैं मोबाइल लेके घर के बाहर निकलता हूँ घर के आसपास के एरिया में जाता हूँ और वहाँ देखते हैं कि कितनी परसेंटेज रेंज हमें मिलती है जब हम डिस्टेंस के साथ चलते हैं तो नॉर्मली जो फोर जो एंटीना वाले होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो तकरीबन वन फीट तक हमें देखने को मिल जाती है जो कि अराउंड 80 टू 100 फीट तो हमें आराम से मिली जाती है इंडोर भी तो चलिए वो टेस्ट कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है वाईफाई सिग्नल एनालाइजर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपका सिग्नल अभी मिल रहा है तो देखिए अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और अगर मैं बात करूँ ओफ्टैकल की तो तकरीबन दो दीवारें अभी बीच में हैं तो ऐसे में जो सिग्नल है मुझे जितना दूर मैं जा रहा हूँ उतना मुझे कम मिल रहा है एट द लास्ट पॉइंट में जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ सिर्फ मुझे टू का नेटवर्क ही वहाँ पर देखने को मिलता है और जैसे मैं दोबारा से वापस आना स्टार्ट करता हूँ तो जो आप सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो देख रहे हैं दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है बट घर के अंदर ही मुझे जो है अच्छा नेटवर्क मिल रहा था बाहर निकलते ही जो है उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है अब चलिए घर के दूसरी साइड पर टेस्ट कर लेते हैं यहाँ अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन तीन से लेकर चार दीवार जो है ऑब्स्टेकल के तौर पे हैं तो ऐसे में जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ वहीं पे सिग्नल ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाते हैं और मुश्किल से 10 परसेंट का सिग्नल मुझे वहाँ पे देखने को मिलता है तो ऐसे में मुझे वहाँ से जो है वापस आना पड़ता है क्योंकि सिग्नल काम नहीं कर रहे होते हैं और अगर आप दूसरे तरीके से दिखाऊँ तो जैसे आप वाईफाई राउटर के पास रखते हैं तो देखिए यहाँ पर नाइनटी से लेके हंड्रेड तक रेंज जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है आज के वीडियो में इस तरह की एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार कुछ और एक्सपेरिमेंट या कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद